असम राइफल्स की चर्चा यहां पर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नागालैंड की जो घटना घटी है उस घटना में जो सशस्त्र बल शामिल थे उन सशस्त्र बल में भारतीय सेना और असम राइफल्स इसके जवान शामिल थे इसमें। चलो, चर्चा में मैंने बता दिया कि नागालैंड के मौन जिला में जो घटना घटी थी उसमें असम राइफल्स के जवान भी शामिल थे भारतीय सेना के साथ। अब इसके एक जरा इसका परिचय देखते हैं। गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अंतर्गत 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, ठीक है। पहला सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी, फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल और फिर असम राइफल्स। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो 6 केंद्रीय सशस्त्र बल है उन 6 में से एक है असम राइफल्स, ठीक है। ठीक, देखते जाओ। असम राइफल्स का गठन 1835 ईस्वी में किया गया और अगर असम राइफल्स के कार्य की हम बात करें तो यह भारतीय सेना के साथ इंडियन आर्मी के साथ उत्तर पूर्व में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है, एक तो ये, और दूसरा कि भारत म्यांमार सीमा की रक्षा का दायित्व भी आर्म असम राइफल्स पर है। तो ये असम राइफल्स का एक परिचय यहां पर कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो 6 हैं उसमें से एक असम राइफल्स है। आगे देखो कि इसमें खास क्या है इसके साथ, वो देखो। खास ये असम राइफल्स के साथ, यह दोहरी नियंत्रण संरचना के अंतर्गत है, मतलब ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंतर्गत है। क्या? तो वह यह है कि अगर प्रशासनिक नियंत्रण की हम बात करें तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत यहां पर यह होगा कि इनके वेतन प्रमोशन से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो निर्णय लिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक। जबकि ऑपरेशनल नियंत्रण की अगर हम बात करें या ऑपरेशनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो फिर यह कौन करता है? यह करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय, जैसे पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेपुटेशन वगैरह ये सारी चीजें। और आगे ये देखो आप कि असम राइफल्स जो है इसमें जो फोर्स है इनको कमांड मिलता है कहां से? लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा। आगे देखना, अब मामला यहां पर ये है कि इस पर पूरा कंट्रोल किसका किया जाए, पूरा कंट्रोल किसका हो, तो ध्यान देना दोनों मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय, ये दोनों ये चाहते हैं कि इनका पूर्ण नियंत्रण हो जाए असम राइफल्स पर। क्यों? उसका कारण देखो आप। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है कि असम राइफल्स को छोड़कर जो शेष 5 हैं, जिसके अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, ये पांचों, ये जो 5 यहां पर हैं, ठीक है, तो इन 5 का अगर हम ऑपरेशनल बात करें, ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करें तो वो किसके पास है? वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। तो अगर असम राइफल्स से रिलेटेड ऑपरेशनल कंट्रोल भी अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया जाए तो इससे ये होगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी? वह मजबूत हो जाएगी, एक तो ये, ठीक है। ये किसका, ये मैंने किसका पक्ष रखा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है। अब जरा बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इसका क्या मामला है वो देखो आप। इसका ये, इनका ये कहना है कि अपनी स्थापना के दिनों से मतलब 1835 से लेकर अब तक असम राइफल ने हमेशा से मिलिट्री फोर्स का काम किया है, मतलब हमेशा से सैन्य बल के रूप में रही है, ठीक है, उसने कभी भी पुलिस फोर्स के रूप में काम नहीं किया है, ठीक। और अगर इसे हम MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नियंत्रण में रखते हैं एक, या असम राइफल्स का विलय अगर हम शेष 5 में किसी के साथ कर देते हैं, मान लो BSF के साथ कर दिया, ITBP के साथ कर दिया, तो इसका एक नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि लंबे समय से असम राइफल्स के कार्य करने की जो प्रणाली है, जिसका अपना वर्किंग सिस्टम है, ठीक है, उस वर्किंग सिस्टम में क्या हो जाएगी? छेड़छाड़ हो जाएगी, मतलब जो कि जो इससे चल रहा है उसे आप चलने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है, वो लगातार बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं कि उसे MHA के नियंत्रण में दे देते हैं या किसी अन्य के साथ विलय कर देते हैं तो इससे पूरी कार्य प्रणाली में अवरोध होगा, और अगर पूरी कार्य प्रणाली में अवरोध हुआ असम राइफल्स के तो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक संकट की स्थिति हो सकती है, उससे उसका खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अधिकारियों को या सशस्त्र बल को जो कि यूज्ड टू हो चुके हैं एक सिस्टम का, उनको फिर पता ये नहीं चलेगा कि उनको कैसे काम करना है।
ठीक है, ये तो बात की मैंने किसकी, कि पूर्ण नियंत्रण किसका हो, उसमें मैंने मंत्रालय की बात कर दी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कहता है कि मिला मतलब असम राइफल्स को आप ऑपरेशनल कंट्रोल दे दो, और वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि ये सारे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे देखो। अब सशस्त्र बल में जो शामिल लोग हैं, जरा उनकी बात देखो, वो क्या चाहते हैं। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि जो सशस्त्र बल है उनमें से बहुतों का ये कहना है कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ले आया जाए। उसका फायदा यहां पर ये होगा कि उसमें शामिल होने पर जो ये रिटायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, जो पार्क मिलता है, जो अन्य तरह के भत्ते होते हैं, वो अच्छे मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर जो केंद्रीय सशस्त्र बल है उसमें भत्ते रिटायरमेंट जो लाभ होते हैं वह जो आर्मी के जो ऑफिसर है, जो आर्मी जो सेना है, उससे उनको कम लाभ मिलता है। एक तो ये हो गया, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए क्या स्थिति है कि रिटायरमेंट अगर हम एज की बात करें तो सेना में हम क्या देखते हैं कि 35 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं वो कितना है, 60 years। ठीक है, क्लियर यहां पर। ठीक, अब देखो ये कि पूर्ण नियंत्रण का मुद्दा जो है वो देखो ध्यान से, ये मुद्दा 2013 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया कि असम राइफल्स का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वह किसको दे दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया जाए, और इसका विलय कर दिया जाए किसमें, बीएसएफ में विलय कर दिया जाए। ठीक है, ठीक, यह जब प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रखा तो फिर इस प्रस्ताव पर डिस्कशन हुआ दोनों मंत्रालयों के बीच में, मतलब गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, तो चलिए यह प्रस्ताव हो गया खत्म। 2019 में फिर इस प्रस्ताव को दोहराया गया, लेकिन थोड़े से बदले स्वरूप में, क्या कि जो असम राइफल्स है उसका विलय कर देना चाहिए किसमें, आईटीबीपी में, यह बात हुई। ठीक है, यह प्रस्ताव अभी किसके पास है, रक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति के पास है, उस पर भी विचार चल रहा है इसमें। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अब इस घटना के बाद एक नई स्थिति आई, नई स्थिति क्या आई, नई स्थिति यह आई कि भारत और चीन इनके आपस में सीमा गतिरोध है जो अभी भी जारी है, जो खुलकर सामने आया कोरोना काल में, तो उसके बाद इंडियन आर्मी का ये कहना है, ध्यान देना, इंडियन आर्मी का यह कहना है कि जो असम राइफल्स है उस पर आप इंडियन आर्मी को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फुल कंट्रोल दीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो आईटीबीपी है उसका भी जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वह भी किसके पास होनी चाहिए, वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गतिरोध बढ़ रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि इस पर, असम राइफल्स पर और आईटीबीपी पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो असम राइफल्स है इस पर नियंत्रण किसका हो, इससे संबंधित याचिका न्यायालय के पास विचाराधीन है। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.